तो स्वागत है आप सभी का फिल्मी अपडेट्स के एपिसोड नंबर 4 में, जहां पर मैं आप सभी को बॉलीवुड और साउथ के लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूं। इस वीडियो में आप सभी को NTR 30, NTR 31 की अपडेट, वॉर 2, डॉन 3, सुपरस्टार रजनीकांत की 2 फिल्में, लियो और बहुत सारी फिल्मों की अपडेट मिलने वाली है। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए और लगे हाथ सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। शुरू करते हैं। तो फाइनली NTR 30 का फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ इस फिल्म के टाइटल का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। इस फिल्म का टाइटल देवरा होने वाला है। देवरा का मतलब होता है भगवान। आप लोग वो वाला देवरा मत समझना। फर्स्ट लुक पोस्टर देखने में काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। मुझे वीर सिम्हा रेड्डी की याद आ गई लुक देखकर, क्योंकि नंदा मोरी बालाकृष्णा का लुक भी कुछ ऐसा ही था। ये फिल्म 5 अप्रैल 2024 को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। अगली अपडेट भी NTR से रिलेटेड है। NTR 30 जो कि KGF के डायरेक्टर प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक एक्शन गैंगस्टर फिल्म है जिस फिल्म की शूटिंग मार्च 2024 से स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ, मतलब ये फिल्म 2025 में आने वाली है। फिल्म के लिए हम सभी को लंबा वेट करना पड़ेगा। NTR 31 फिल्म भी 2 पार्ट में रिलीज होगी, जिसको मैत्री मूवी मेकर्स और NTR आर्ट्स प्रोडक्शन मिलकर प्रोड्यूस कर रही है। तो फाइनली ऋतिक रोशन कंफर्म कर चुके हैं कि जूनियर NTR वॉर 2 फिल्म का पार्ट होने वाले हैं। काफ़ी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि NTR वॉर 2 फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, तो फाइनली ये ऑफिशियल हो चुका है। एक लाइक तो बनता है इस बात के लिए। इस फिल्म में जूनियर NTR नेगेटिव रोल प्ले करने वाले हैं। इनका कैरेक्टर जो होगा वो नेगेटिव सेट के साथ होगा। वॉर 2 फिल्म में हमको ऋतिक रोशन और NTR का एपिक क्लास देखने को मिलेगा। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग इसी साल से शुरू हो जाएगी। डॉन 3 फिल्म में शाहरुख खान काम करने से मना कर चुके हैं, क्योंकि डॉन 3 का आइडिया शाहरुख खान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और अभी जिस तरीके की फिल्म शाहरुख खान करना चाहते हैं उसमें डॉन 3 फिट नहीं हो रही है, इसी वजह से वो डॉन 3 नहीं कर रहे हैं। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डॉन के थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए रणवीर सिंह का नाम फाइनल कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन जी और SRK के बाद रणवीर सिंह डॉन के किरदार में दिखाई देने वाले हैं। बताया जा रहा है रणवीर सिंह के साथ एक वीडियो भी शूट हो चुका है और जल्दी ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट भी होगी। वैसे एक्सल एंटरटेनमेंट इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली है, जो कि रणवीर सिंह के साथ दिल धड़कने दो और गली बॉय जैसी फिल्म में कर चुकी है। तो क्या आप सभी लोग रणवीर सिंह को डॉन के थर्ड पार्ट में देखना चाहोगे, देखना पसंद करोगे? आप सभी को लिखकर बताना है। सुपरस्टार रजनीकांत की 117वीं फिल्म में रजनीकांत के साथ चियान विक्रम दिखाई दे सकते हैं। चियान विक्रम को फिल्म में नेगेटिव रोल प्ले करने के लिए अप्रोच किया जा रहा है। इस फिल्म में विलन का रोल प्ले करने के लिए विक्रम काफ़ी मोटी फीस भी ले रहे हैं लाइका प्रोडक्शन से। रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि वो इस फिल्म को करने वाले हैं। जी हाँ, तो देखते हैं क्या होता है। इस फिल्म में रजनीकांत सर एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करने वाले हैं। फिल्म को जय भीम वाले डायरेक्टर TJ नानवल डायरेक्ट करने वाले हैं। ये वाली अपडेट भी रजनी सर से रिलेटेड है। रजनीकांत के डायरेक्टर लोकेश कनगराज के साथ एक फिल्म आने वाली है, मिस्किन, जो कि लियो फिल्म का हिस्सा है। अपने रिसेंट इंटरव्यू में कंफर्म कर चुके हैं कि डायरेक्टर लोकेश कनगराज की अगली मूवी सुपरस्टार रजनीकांत के साथ होगी और ये रजनीकांत सर की लास्ट फिल्म हो सकती है। जी हाँ, यानी कि लियो के बाद डायरेक्टर लोकेश कनगराज रजनीकांत के साथ एक फिल्म करेंगे, फिर कैथी 2 फिल्म पर काम शुरू होगा। सनी बाजी की 2001 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर फिल्म 9 जून को सिनेमाज में फिर से री रिलीज होने वाली है, यानी कि ये फिल्म फिर से धूम मचाने आ रही है, तो आप लोग इस फिल्म को देख सकते हो। वहीं गदर का सेकेंड पार्ट 11 अगस्त को रिलीज होगा। लियो मूवी जो कि इस साल की आने वाली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म में संजय दत्त तलपति विजय के फादर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। विजय इस फिल्म में 40 साल के एक गैंगस्टर के किरदार में दिखाई देंगे। संजय दत्त भी इस फिल्म में एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। बाप और बेटे दोनों गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। गजब। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में बनी ये एक्शन थ्रिलर फिल्म 19 अक्टूबर को पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। तलपति विजय के 68 फिल्म को डायरेक्टर वेंकट प्रभु डायरेक्ट करने वाले हैं और इस फिल्म की अनाउंसमेंट इसी वीकेंड में की जाएगी। वैसे लियो विजय के 67 फिल्म है। लियो के बाद विजय की ये अगली फिल्म होगी जिसको AGS एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस करने वाली है। AGS एंटरटेनमेंट ही विजय की अच्छी कमाई करने वाली फिल्म बिगिल फिल्म को प्रोड्यूस की थी। वैसे अभी से इस चैनल पे आप सभी को फिल्मी अपडेट्स के वीडियोस नहीं मिलेंगे, क्योंकि नया चैनल बन चुका है, उस पर इसी टाइप के वीडियो आएंगे, आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी जितने भी वीडियो आएंगे फिल्मी अपडेट्स के उसी चैनल पे आने वाले हैं, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। सिंघम अगेन जो कि सिंघम फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है। ये फिल्म रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है बजट और स्केल के मामले में। सिंघम अगेन के स्टार कास्ट कुछ ऐसी होने वाली है अपडेट के अकॉर्डिंग। फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह,
करीना कपूर खान और जैकी श्रॉफ दिखाई देने वाले हैं। जैकी श्रॉफ इस फिल्म में विलन के रोल में दिखाई देने वाले हैं। स्टार कास्ट को देखकर ये कह सकते हैं कि ये फिल्म इंडिया की सबसे बड़ी कॉप फिल्म होने वाली है। सिंघम अगेन फिल्म की शूटिंग इस साल के अगस्त से शुरू हो जाएगी, वहीं ये फिल्म 2024 में रिलीज होगी। महेश बाबू और सुपरस्टार डायरेक्टर एसएस राजामौली की जो एक साथ जंगल एक्शन एडवेंचर फिल्म आने वाली है एसएस एम्बिट 29 फिल्म की शूटिंग से एक बड़ी अपडेट आई है। राइटर केवी विजेंद्र प्रसाद जी जो कि राजामौली के फादर हैं, साथ में इस मच अवेटेड फिल्म के राइटर भी हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग 2023 के एंडिंग नहीं तो एसएस एम्बिट 28 फिल्म रिलीज होने के बाद शुरू होगी। रणबीर कपूर की आने वाली मोस्ट अवेटेड गैंगस्टर फिल्म एनिमल से अब शक्ति कपूर भी जुड़ चुके हैं। इस फिल्म में शक्ति कपूर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में दिखाई देंगे। फिल्म में शक्ति कपूर भी एक गैंगस्टर के रोल में दिखाई देने वाले हैं। शक्ति कपूर अपने पोर्शन की शूटिंग कब का कर चुके हैं। एनिमल फिल्म 11 अगस्त को पैन इंडिया स्केल पर रिलीज होगी। अनिल कपूर सूबेदार नाम की एक एक्शन ड्रामा फिल्म कर रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर के मिड से शुरू हो जाएगी। सुरेश त्रिवेणी इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं जो कि तुम्हारी सोलू और जलसा जैसी अच्छी मूवीज को डायरेक्ट कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी को बताएं आर्यन खान की एक वेब सीरीज आने वाली है स्टारडम करके। सीरीज में शाहरुख खान और रणवीर सिंह कैमियोज करते हुए दिखाई देंगे। इस सीरीज की शूटिंग 27 सितंबर से शुरू हो जाने वाली है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पैन इंडिया फिल्म सैंडव से फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी विकास मलिक के कैरेक्टर में दिखाई देंगे, जिनका फर्स्ट लुक पोस्टर आप सभी लोग देख सकते हो। फिल्म में विक्टरी वेंकटेश लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। शैलेश कुलानू के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 22 दिसंबर 2023 को आने वाली है। पवन कल्याण और साई धर्मतेज की फैंटेसी ड्रामा फिल्म का टाइटल अनाउंस हो चुका है। इस फिल्म का टाइटल ब्रो होने वाला है, जो कि मैं आप सभी को बहुत पहले बता चुका हूँ। मोशन पोस्टर भी आउट हो चुका है, जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। ये फिल्म 28 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। वैसे पवन कल्याण की ओजी नाम की एक फिल्म आने वाली है, जिसको साहू के डायरेक्टर सुजीत डायरेक्शन दे रहे हैं। ये फिल्म दिसंबर 2023 को आने वाली है, ऐसा इस फिल्म के मेकर्स का कहना है। तेजस कंगना रनौत की वो फिल्म जिसको काफ़ी पहले रिलीज हो जाना चाहिए था, इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को जुलाई नहीं तो अगस्त के महीने में रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं। इस फिल्म में कंगना एक इंडियन एयरफोर्स पायलट के रोल में दिखाई देंगी। वैसे ये किसी की बायोपिक नहीं है, ओरिजिनल फिल्म है ये। भेड़िया जिसके OTT पर आने का सभी बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, ये फिल्म 26 मई को फाइनली OTT पर आ जाएगी। वैसे ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तेलुगू, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी और बंगाली भाषा में भी आने वाली है। वहीं नेचुरल स्टार रानी की रिवेंज एक्शन ड्रामा फिल्म दसरा फिल्म OTT पर हिंदी भाषा में 25 मई को आने वाली है। जी हाँ, ये एक अच्छी फिल्म है जिसे आप सभी लोग देख सकते हो। चलिए अब कुछ फिल्मों के टीजर आउट हो चुके हैं उसके बारे में जानते हैं। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की आने वाली म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म सत्य प्रेम की कथा फिल्म का टीजर आउट हो चुका है। टीजर देखने में अच्छा लग रहा है। ये फिल्म 29 जून को थिएटर्स में रिलीज होगी। आसूस के हो पर आंखें मेरी हो। टोविनो थॉमस की आने वाली मच अवेटेड फिल्म ARM का टीजर आउट हो चुका है। हिंदी टीजर को ऋतिक रोशन ने लॉन्च किया है। टीजर देखने में बहुत ही सही लग रहा है, स्पेशली BGM सुनने में बहुत ज़्यादा कमाल का लग रहा है। टोविनो थॉमस का जो स्वैग है ना भाई साहब, बहुत सही लग रहा है। ये फिल्म इस साल आने वाली है, लेकिन डेट अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है जो कि हिंदी में भी आने वाली है। जी हाँ, तो ये थी सारी की सारी अपडेट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और यहाँ पर क्लिक करके आप लोग फिल्मी अपडेट्स की और भी वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।